Hello everyone and welcome to my channel Mirafi YouTube. Today we shall start with a very important topic, a very important theory, that is the bureaucratic model or the bureaucratic theory as given by Max Weber. बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक में से, इस थ्योरी में से, फिर चाहे वो यूजीसी नेट का पेपर हो या फिर यूपीएससी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल का पेपर हो, दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है. बट बिफोर यू स्टार्ट स्टडिंग द टॉपिक आई वुड लाइक टू टेल यू कि क्वेश्चंस दोनों तरीके के हैं, फैक्चुअल भी स्पेशली यूजीसी नेट के अंदर और कंसेप्चुअल भी. तो आई वुड अर्ज यू कि पहले आप अपना कंसेप्ट क्लियर करें कि वॉट इज़ ब्यूरोक्रेसी एंड मैक्स वेबर की उसमें क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रही, उन्होंने इसके बारे में क्या कहा. Once you are clear with the concept, then you carry on with the facts. कि किसने कौन सी बुक लिखी, किसकी क्या स्टेटमेंट थी, करना है वो भी याद, उसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, पर वो आप बाद में कीजिएगा. एक बार पहले आप कंसेप्ट पे फोकस कीजिए, उसके बाद आप सेकेंड दोबारा वीडियो देख सकते हैं या अपना जो भी आपको टेक्स्ट है उसको रेफर कर सकते हैं फैक्ट्स को मेमोराइज करने के लिए, राइट. सो लेट अस स्टार्ट. नाउ जो ब्यूरोक्रेसी है, द टर्म वॉज कॉइंड बाय अ फ्रेंच इकोनॉमिस्ट विंसेंट डे गोर्ने इन 1745, एंड ब्यूरो मीन्स अ डेस्क इन फ्रेंच लैंग्वेज, राइट. तो ब्यूरो का मतलब क्या होता है, डेस्क होता है. नाउ ऐसा नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी पे सिर्फ मैक्स वेबर ने काम दिया, और भी राइटर्स हैं जिनकी राइटिंग्स हैं. दोज आर कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, रॉबर्ट मिशेल्स, गायतानो मॉस्का. लेकिन इट वॉज मैक्स वेबर हु बिगन द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ब्यूरोक्रेसी. लिखा तो इन सब ने है, इन सब ने ब्यूरोक्रेसी के ऊपर लिखा हुआ, इनकी राइटिंग्स हैं, बट मैक्स वेबर ही वो है जिन्होंने सिस्टमेटिकली पढ़ना शुरू किया ब्यूरोक्रेसी को, इसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, अरेंज वे में इनकी ब्यूरोक्रेसी की जो है वो स्टडी की, ठीक है. तो इसलिए हम पढ़ेंगे मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी. नाउ हेयर आर अ फ्यू फैक्ट्स अबाउट मैक्स वेबर. पूरा नाम है इनका मैक्सिमिलियन कार्ल एमिल वेबर, फोटोग्राफ आप यहाँ पर देख सकते हैं. ही वॉज अ जर्मन सोशियोलॉजिस्ट एंड अ पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट, राइट. ही वॉज बॉर्न इन एरफर्ट, वेस्टर्न जर्मनी ऑन अप्रैल 21, 1864 में पैदा हुए. टेलर कब पैदा हुए थे, 1856 के अंदर. तो हम देख सकते हैं कि ये बोथ ऑफ दीज वर कंटेम्प्रेरीज, एक टाइम पर ही ये लोग इन्होंने काम किया. नाउ ही स्टडीड लॉ फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ हेडलबर्ग, इट इज़ इन जर्मनी. ऑल्सो स्पेंट अ ईयर एज अ जूनियर ऑफिसर इन द जर्मन आर्मी, जर्मन आर्मी में भी इन्होंने एक साल के लिए काम किया. 1889 में इनकी PhD कम्प्लीट हुई, एंड देन यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में इन्होंने इंस्ट्रक्टर ऑफ लॉ की तरह काम किया, राइट, एज एन इंस्ट्रक्टर ऑफ लॉ. देन इन 1894 इन्होंने स्टार्ट किया काम करना एज प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल इकॉनमी एट फ्राइबर्ग यूनिवर्सिटी, दिस इज ऑल्सो इन जर्मनी, ठीक है. तो 18 पहले इन्होंने इंस्ट्रक्टर ऑफ लॉ की तरह काम किया, देन ही बिकेम अ प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल इकॉनमी. उसके बाद 3 साल बाद 1897 में यूनिवर्सिटी ऑफ हेडलबर्ग, जहाँ से की खुद की एजुकेशन थी, वहाँ पर ही स्टार्टेड वर्किंग एज प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स. उसके बाद एक जो दुर्घटना हुई इनकी ज़िंदगी में वो थी इनके फादर का डिमाइस. इनके पिताजी जो थे उनका निधन हो गया उसी साल 1897 में, और इस इवेंट का मैक्स वेबर की लाइफ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा उसकी, उनकी फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी और उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी. एंड एज अ रिजल्ट उन्होंने प्रोफेसरशिप से रिज़ाइन कर दिया, एंड ही अवॉइडेड टीचिंग फॉर अबाउट 20 ईयर्स. मतलब उन्होंने 20 साल का गैप लिया. ही केप्ट ऑन ट्रैवलिंग और उन्होंने टीचिंग को बिल्कुल छोड़ दिया. एंड दिस वॉज दिस पीरियड वेन हिज इंटरेस्ट शिफ्टेड फ्रॉम लॉ एंड इकोनॉमिक्स टू सोशियोलॉजी. इनका जो इंटरेस्ट था इट गॉट डाइवर्टेड, शिफ्टेड टू सोशियोलॉजी. 1918 में, ऑलमोस्ट आफ्टर 20 ईयर्स 21 ईयर्स, ही रिटर्न टू टीचिंग इन वैना. और उसके बाद इन 1920, जब वो पीक पे थे अपनी इंटेलेक्चुअल काम के, जब वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, ही वॉज रिसर्च वगैरह काफ़ी अच्छी कर रहे थे, ही डाइड एट म्यूनिक इन जर्मनी, राइट. और इसलिए क्योंकि उस टाइम वो काम कर रहे थे एट द एज ऑफ 56, मैनी ऑफ हिज राइटिंग्स आर स्टिल इनकम्प्लीट. क्योंकि जो उस टाइम के काम है वो अभी भी इनकम्प्लीट हैं, सारे काम पूरे नहीं हुए. तो इनका जो कुल, अगर हम कहें, लाइफ स्पैन था, डैट वॉज ऑफ 56 ईयर्स, राइट. तो अब हम देखते हैं ब्यूरोक्रेसी के बारे में कंट्रीब्यूशंस क्या है मैक्स वेबर की. जो मेन 3 कंट्रीब्यूशंस हैं, दे आर द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, इकॉनमी एंड सोसाइटी, एंड थर्ड इज द थियोरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन. इसी में हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन्होंने दी, जो हम आगे जाकर
पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये मेन तीन कॉन्ट्रीब्यूशन बुक्स हैं मैक्स वेबर की। नाउ व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी आखिर में है क्या? अब हम जब भी ब्यूरोक्रेसी सुनते हैं हमें क्या लगता है, व्हाट इज़ ब्यूरोक्रेसी? IAS, राइट, सिविल सर्विसेज की पिक्चर हमारे माइंड में आती है कि ब्यूरोक्रेट्स कौन होते हैं, ये सिविल सर्वेंट्स होते हैं। बट क्या सिर्फ सिविल सर्वेंट्स जो है वो हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं? तो लेट्स सी, पहले हम ये डेफिनेशन देखते हैं। नाउ अ सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग और मैनेजिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन, कंट्री, कंपनी एटसेट्रा बाय अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स एम्प्लॉयड टू फॉलो रूल्स। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, फिर चाहे वो कंट्री हो, कोई कंपनी हो, स्कूल हो, चर्च हो, NGO हो, कुछ भी हो, उसको जब कंट्रोल या मैनेज किया जाता है बाय अ नंबर ऑफ ऑफिशियल्स, ठीक है, जो कि एम्प्लॉयड हैं और कुछ रूल्स फॉलो कर रहे हैं, मतलब कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं बाय सम ऑफिशियल्स विच आर अपॉइंटेड, और वो सारे जो इनके अपॉइंटमेंट है और वो जो ऑफिशियल्स हैं वो जो काम कर रहे हैं, दोज आर बेस्ड ऑन सम फिक्स्ड रूल्स। इसको हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी हमारी खाली गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं हो सकती, वो हर जगह, वो कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे अगर ऑफिशियल्स जो हैं उनको अपॉइंट किया जा रहा है और उनके वो वहाँ पे कुछ फिक्स रूल्स हैं जिनको वो सब फॉलो कर रहे हैं, तो वो भी ब्यूरोक्रेसी है। कोई स्कूल है वहाँ पे टीचर्स को ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट वो अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद वो कुछ रूल्स हैं जो फॉलो कर रहे हैं, और तो जिस तरीके से उस स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है दैट इज़ ऑल्सो ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। तो ये सारा कुछ ब्यूरोक्रेसी है। हम जब ब्यूरोक्रेसी को पढ़ेंगे तो आपने अपने माइंड में खाली एक सिविल सर्विसेज वाली पिक्चर नहीं लेके चल रही, बट यू हैव टू थिंक ऑफ अ ब्रॉडर कंसेप्ट, अ ब्रॉडर व्यू, राइट। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट वेबर डिड नॉट डिफाइन ब्यूरोक्रेसी, ही ओनली डिस्क्राइब इट्स करेक्टरिस्टिक्स। तो उन्होंने उसको डिफाइन नहीं किया, खाली उसकी करेक्टरिस्टिक्स बताई। वेबर के लिए ब्यूरोक्रेसी क्या था? अकॉर्डिंग टू वेबर, ब्यूरोक्रेसी इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ अपॉइंटेड ऑफिशियल्स, एक बॉडी जो कि एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, और वो बॉडी में कौन है? अपॉइंटेड ऑफिशियल्स हैं, ठीक है। अब अपॉइंटेड ऑफिशियल्स कहीं भी हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कहीं भी हो सकती है, तो इसका मतलब ब्यूरोक्रेसी कहीं भी हो सकती है। जहाँ कहीं भी एडमिनिस्ट्रेशन की जाएगी बाय अपॉइंटेड ऑफिशियल्स दैट विल बी कॉल्ड एज ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, चाहे फिर वो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर कुछ भी हो, ठीक है। अब ये ब्यूरोक्रेसी की बात आई कहाँ से, वेबर ब्यूरोक्रेसी के कंसेप्ट तक कैसे पहुँचे? तो उस टाइम पर जो सिस्टम चल रहा था दैट वाज पर्टिकुलरिज्म। पर्टिकुलरिज्म क्या होता है कि जब हम जो टॉप पोजीशंस हैं, ये जो जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो किसको बनाते हैं? अपने फैमिली रिलेशंस या हमारे जान पहचान के जो लोग हैं, बायस, मतलब हम बायस्ड हैं, उनको हम वो पोजीशंस दे देते हैं। तो उस टाइम पर जो एम्प्लॉयज, जो ऑफिशियल्स थे, देवर हायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली रिलेशंस और कनेक्शंस, ठीक है, जिसकी जान पहचान है उसको हम कोई ना कोई ऑफिस दे देते थे। तो फेवरेटिज्म वॉज देयर, बायसनेस वॉज देयर, बहुत सारे फैक्टर्स को, उनकी फैमिली पोजीशन, फैमिली कनेक्शन, रिलेशन, फाइनेंशियल स्टेटस, ये सब कुछ देखकर जो है पोजीशन दी जाती थी। तो वेबर का कहना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अ रैशनल अप्रोच शुड बी देयर, अ लॉजिकल अप्रोच शुड बी देयर, जिसमें सबको इक्वल तरीके से देखा जाए, कुछ रूल्स हो जो फॉलो हो और उन्हीं के बेसिस पे अपॉइंटमेंट हो, ठीक है। और यहाँ से आया क्या? ब्यूरोक्रेसी का कंसेप्ट, ठीक है। नाउ एज यूजुअल टू मेक द कंसेप्ट easier to understand, मैंने क्या किया है, जितना भी कंसेप्ट है ब्यूरोक्रेसी का वेबर का, उसको मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। नाउ दीज 6 पार्ट्स आर डिफरेंस बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी। सबसे पहले हमें वेबर ने बताया कि पावर और अथॉरिटी में क्या फ़र्क है। सेकेंड इज कॉम्पोनेंट्स ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी में क्या क्या आएगा। थर्ड इज टाइप्स ऑफ अथॉरिटी। फोर्थ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। फिफ्थ रीजंस फॉर एमर्जेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी। एंड सिक्स कंट्रोल ओवर ब्यूरोक्रेसी। तो ये तो है सारा जो वेबर का कंसेप्ट है, और इसके बाद हम लास्ट 7 नंबर पे क्या करेंगे, क्रिटिसिज्म क्या थी इस कंसेप्ट की, राइट, वी शैल डू द क्रिटिसिज्म। तो ये सब कुछ हमें पढ़ना है वेबर्स कंसेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी के अंदर। अब देखते हैं इस पार्ट में हम कितना कवर कर सकते हैं। तो आइए लेट स्टार्ट। नाउ फर्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी। तो अकॉर्डिंग टू वेबर पावर क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट वन एक्टर विदिन अ सोशल रिलेशनशिप will be in a position to carry out his own will despite resistance. अब आप अपने ऊपर लेके देख लीजिए, हम कहते हैं that person, for example, कोई भी है XYZ, is very powerful. तो हम powerful किस बात में करते हैं? Powerful हो सकते हैं health, कि वो शारीरिक रूप से बहुत powerful है, या फिर financial रूप से बहुत powerful है, but इसका मतलब क्या होता है कि वो पर्सन अगर वो कोई काम चाहे तो करवा सकता है, अपनी मर्जी मनवा सकता है। तो सेम बात किसने कही? मैक्स वेबर ने कही,
कि अगर कोई इंसान है किसी भी सोशल रिलेशनशिप के अंदर, सोसाइटी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और इस बात की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है क्या कि वो अपनी मर्जी का काम करवा सकता है डिस्पाइट रेजिस्टेंस, ठीक है, हो सकता है कि वो जो करवाना चाह रहा है उसकी जो मर्जी है उसको रेजिस्ट किया जाए, उसके बावजूद भी वो अपना काम करवा लेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी को, उसकी संभावना को हम बोलेंगे पावर। अगर प्रोबेबिलिटी काम करवाने की ज़्यादा है तो उसकी पावर ज़्यादा है, अगर प्रोबेबिलिटी काम करवाने की कम है तो उसकी पावर कम है, ठीक है। तो ये था पावर। नाउ व्हाट इज़ अथॉरिटी देन? द प्रोबेबिलिटी, ये भी संभावना है, दैट अ कमांड, एक ऑर्डर है, विद अ गिवन स्पेसिफिक कंटेंट विल बी ओबेड बाय अ गिवन ग्रुप ऑफ पर्सन्स। तो कुछ लोग हैं, उनको अगर कमांड कोई दी जाती है, कोई ऑर्डर दिया जाता है, वो उस ऑर्डर को मान लेंगे, उस बात की क्या संभावना है, उस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, उनके ऑर्डर के मानने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावना है, दैट इज़ कॉल्ड अथॉरिटी। तो अगर वो ऑर्डर मान लेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हुई तो अथॉरिटी ज़्यादा हुई, ठीक है, और अगर वो ऑर्डर नहीं मानेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो गई तो अथॉरिटी हमारी कम हो गई। तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंस क्या है? तो वेबर ने कहा लेजिटिमेसी टर्न्स पावर इनटू अथॉरिटी। लेजिटिमेसी क्या होता है? लीगैलिटी। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? लीगैलिटी का फ़र्क है। पावर किसी की भी हो सकती है, पैसे की हो सकती है, शारीरिक रूप से हो सकती है, कनेक्शंस के बेसिस पे हो सकती है, लेकिन अथॉरिटी विल कम फ्रॉम लीगल पोजीशन। उसके पास कोई पोजीशन है, देर आर सम रूल्स विच आर बीइंग फॉलोड, और उस बेसिस पे उसके पास अथॉरिटी है। कहने का मतलब, अगर पावर अथॉरिटी से आ रही है, लीगली आ रही है, अगर पावर लीगली आ रही है, दैट विल बिकम अथॉरिटी। तो पावर को लेजिटिमेसी जो है, लीगैलिटी है, वो अथॉरिटी में कन्वर्ट कर देती है, राइट? आई होप समझ गए हो। साथ ही साथ वेबर की स्टेटमेंट थी दैट ऑल एडमिनिस्ट्रेशन मींस डोमिनेशन। सब एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? डोमिनेशन है। और डोमिनेशन क्या होता है? डोमिनेशन इज एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी। मतलब हमने क्या किया, पहले हमने पावर किया, पावर क्या होता है, उसके बाद हमने अथॉरिटी किया, अब इस अथॉरिटी को एक्सरसाइज करना, इसको इम्प्लीमेंट करना ही डोमिनेशन है, ठीक है। तो इसका मतलब वेबर ने क्या कहा, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? जो लीगल अथॉरिटी आपको मिली हुई है उसको एक्सरसाइज करना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? द नेक्स्ट इज कॉम्पोनेंट्स ऑफ अथॉरिटी। तो अथॉरिटी के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या उसको कॉम्पोनेंट्स क्या है? नंबर वन, एन इंडिविजुअल और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हु रूल। सबसे पहले वो बंदा या पर्सन जिसकी जिसके पास अथॉरिटी है, जिसने अपना रूल चलाना है। सेकेंड क्या है, एन इंडिविजुअल और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर रूल्ड। ऑर्डर किसको देना है, अथॉरिटी किसके ऊपर चलानी है, ठीक है, किसको रूल करना है। नंबर थ्री इज द विल ऑफ द रूलर्स टू इन्फ्लुएंस द कंडक्ट ऑफ द रूल एंड एन एक्सप्रेशन ऑफ दैट विल और कमांड। तो जो रूलर है, जिसके पास अथॉरिटी है, उसकी इच्छा भी तो होनी चाहिए रूल करने की, अथॉरिटी चलाने की। तो वो विल और उसका एक्सप्रेशन कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, बोल के एक्सप्रेस कर रहा है या रिटर्न कम्युनिकेशन है, वो क्या कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, दैट इज़ थर्ड कॉम्पोनेंट। फोर्थ क्या हो गया, एविडेंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द रूलर इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव डिग्री। सबसे पहले क्या हो गया, रूलर था जिसने ऑर्डर चलाया, दूसरा किसके ऊपर रूल किया, नंबर थ्री उसने उसको एक्सप्रेस कैसे किया और उसकी इच्छा, चौथा क्या प्रूफ है कि जो लोग हैं वो उसको ऑर्डर मान रहे हैं, ऑब्जेक्टिव प्रूफ, ठीक है। कैसे हम कह सकते हैं कि लोगों ने उसको ऑर्डर माना, उसको रूल जो है वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और फिफ्थ क्या है, ये भी हमारा एविडेंस है उसके इन्फ्लुएंस का, लेकिन सब्जेक्टिव तरीके से, कि हाँ वाकई में लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये पांच कंपोनेंट्स हैं किसके, अथॉरिटी के। ये किसने दिए, मैक्स वेबर ने। लेकिन यहाँ नोट करना क्या है कि हमने ये कॉम्पोनेंट्स कहाँ से लिए हैं, रेनहार्ड बेंडिक्स की बुक थी मैक्स वेबर एन इंटेलेक्चुअल पोर्ट्रेट। तो यहाँ से हमने जो बेंडिक्स से इन्होंने समराइज किया और हमने ये जो पॉइंट्स लिए हैं वो इनकी बुक से लिए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपसे बुक पूछा जा सकता है, इसका नाम पूछा जा सकता है और पूछा जा सकता है कि कंपोनेंट्स कौन सी बुक में दिए हुए हैं। नाउ द थर्ड हेडिंग इज टाइप्स ऑफ अथॉरिटी। तो वेबर ने हमें तीन तरीके की अथॉरिटी के बारे में बताया, नंबर वन ट्रेडिशनल अथॉरिटी, सेकेंड करिज्मेटिक अथॉरिटी एंड नंबर थ्री इज लीगल रैशनल अथॉरिटी। तो इनके बारे में हम देखते हैं। नाउ ट्रेडिशनल अथॉरिटी इज वन विच कम्स बाय वर्च्यू ऑफ ट्रेडिशंस, कस्टम्स, कन्वेंशंस और इनहेरिटेड स्टेटस, ठीक है। किसी के पास अथॉरिटी है कैसे,
कि वहाँ का ट्रेडिशन ऐसा है, कस्टम ऐसा है, या कन्वेंशन ऐसा है, या फिर उसने अथॉरिटी इनहेरिट किया है. फॉर एग्जाम्पल, मोनार्की के अंदर एक प्रिंस जो है वो किंग की पोजीशन को इनहेरिट करता है एक ही फैमिली के अंदर. या फिर फॉर एग्जाम्पल कोई ट्राइब है, उसके अंदर कोई फैमिली है, उसी के जो लोग हैं वो पावर में आते हैं, वहाँ के हेड नियुक्त होते हैं. ठीक है. या फिर अगर हम देखें जैसे कास्ट सिस्टम था, तो उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल पंडित्स हैं, उनके पास कुछ राइट्स हो सकते हैं, कुछ पोजीशन हो सकती है, कुछ अथॉरिटी हो सकती है बाय वर्च्यू ऑफ ट्रेडिशन और कस्टम. तो ये सारा कुछ आ जाता है ट्रेडिशनल अथॉरिटी के अंदर. अब इस अथॉरिटी के जो फॉलोअर्स हैं वो कौन होते हैं? पीपल हु आर क्लोज टू द मास्टर. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, जो किंग के खास लोग होंगे, जो फैमिली के लोग होंगे, या जो उसके फॉलोअर्स होंगे, उन्हीं को वो की पोजिशंस देगा. ठीक है. ऐसे ही अगर हम कबीले की बात करें, तो जो भी की पोजिशंस होंगी वो कौन होंगी? जो उनके लॉयल हैं, जो उनके क्लोज हैं. ठीक है. तो ये हम देखते थे पैट्रीमोनियल या फिर फ्यूडल सिस्टम के अंदर. पैट्रीमोनियल सिस्टम इज विच जिसके अंदर जो अथॉरिटी है वो गेट्स ट्रांसफर्ड ड्यू टू इनहेरिटेंस. ठीक है. इनहेरिटेंस मतलब एक से दूसरे में, जैसे फैमिली के अंदर अगर हम पावर जो कहें या अथॉरिटी जो कहें वो शिफ्ट हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है. और फ्यूडल सिस्टम में क्या होता है, फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे, जो बड़े लोग थे, रिच पीपल जो हैं, नोबल्स हैं, उनको अथॉरिटी दी जा रही है. तो यहाँ पर हम एक बायसनेस देख सकते हैं, कोई रूल्स नहीं है, मतलब हर किसी को पास इक्वल चांस नहीं है कि उसके पास अथॉरिटी आ सके. तो दिस वॉज ट्रेडिशनल अथॉरिटी. सेकेंड इज करिज्मेटिक अथॉरिटी. नाउ करिज्मेटिक जो वर्ड है, इट इज़ डिराइव फ्रॉम करिज्मा. करिज्मा क्या होता है? एक खास कुछ क्वालिटी, कोई एक्सेप्शनल क्वालिटी जो उस पर्सन के अंदर है. तो दिस इज़ बाय वर्च्यू ऑफ एक्स्ट्रॉर्डनरी एंड एक्सेप्शनल क्वालिटीज. अब ये क्वालिटीज़ किसी भी तरीके की हो सकती है. हो सकता है इवन सुपर ह्यूमन क्वालिटीज़ हों, सुपर नेचुरल क्वालिटीज़ भी हो सकती हैं, कुछ भी ऐसे क्वालिटी जिससे लोग जो हैं आकर्षित हों, अट्रैक्ट हों. तो जो फॉलोअर्स हैं इसमें, दे आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सनल डिवोशन. कितने डिवोटेड हैं वो उस पर्सन के प्रति, वो उसके फॉलोअर्स हो जाते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इसमें हम कुछ पॉजिटिव एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, कुछ नेगेटिव एग्जाम्पल भी. पॉजिटिव फॉर एग्जाम्पल, अगर हम महात्मा गांधी की बात करें, नेल्सन मंडेला की बात करें, तो इनमें कुछ क्वालिटीज ऐसी थी जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती थी. ठीक है. नेगेटिवली अगर हम देखें, कुछ बाबा एलिमेंट्स होते हैं, स्पेशली इन इंडियन सोसाइटी, आई वोंट टेक एनी नेम. ठीक है. तो उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी तो होती है जिससे लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं. और उनके फॉलोअर्स कैसे सिलेक्ट होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डिवोशन. जो ज़्यादा डिवोटेड होगा, जो उनको ज़्यादा मानेगा, जो ज़्यादा लॉयल होगा, वो उनका फॉलोअर बन जाएगा. खास बात क्या होती है करिज्मेटिक अथॉरिटी में? दैट इट इज़ शिफ्टिंग इन नेचर. जब तक आपके पास फॉलोअर्स हैं, तब तक आपके पास अथॉरिटी है. अगर एक बार फॉलोअर्स जो हैं वो शिफ्ट हो गए कहीं और, आपकी अथॉरिटी भी गई, तो इट इज़ अनस्टेबल. ठीक है. नाउ थर्ड इज लीगल रैशनल अथॉरिटी, विच कम्स फ्रॉम लीगल पोजिशन. ठीक है. इट इज़ बाय वर्च्यू ऑफ बिलीफ इन द लीगैलिटी ऑफ रूल्स. जब हम एक बिलीफ हमारा है किसमें? रूल्स की लीगैलिटी में, रूल्स आर लीगल में. ठीक है. एंड द राइट्स ऑफ दोज एलिवेटेड टू अथॉरिटी अंडर सच रूल्स टू इशू कमांड. तो इसमें क्या है, जो आपको अथॉरिटी मिल रही है वो रूल्स से मिल रही है, और जो भी उस पोजिशन पे हैं, ठीक है, वो भी रूल्स के थ्रू उस पोजिशन पे आए हैं. नाउ नोट करने की बात क्या है, अथॉरिटी रिसाइड्स इन द पोजिशन और द ऑफिस. ये इसमें वेबर क्या कहते हैं कि ये जो अथॉरिटी है ये उस पर्सन के अंदर नहीं है. इट इज़ नॉट पर्सनल, वेरी इंपॉर्टेंट, पर्सनल नहीं, उस पर्सन के अंदर नहीं है, बल्कि उसकी पोजिशन के अंदर है. फॉर एग्जाम्पल, पोजिशन के अंदर आज कोई पर्सन है एक्स, तो उसके पास अथॉरिटी है. कल अगर वो चला जाता है तो उसकी अथॉरिटी गई, किसके पास आएगी? वाई के पास, जो उस पोजीशन पे आ गया. तो ये जो अथॉरिटी है, इट रेस्ट इन द पोजीशन और द ऑफिस, नॉट इन द पर्सन. तो ये हो गए तीन तरीके की अथॉरिटी जो हमें किसने दी? मैक्स वेबर ने दी. ठीक है. नाउ वी शैल स्टडी फोर्थ हेडिंग, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी एज गिवन बाय मैक्स वेबर. बट बिफोर वी प्रोसीड टू दैट, वी मस्ट नो वेबर्स आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी. तो जो वेबर थे, उन्होंने अपनी ब्यूरोक्रेसी का जो मॉडल था, जो ब्यूरोक्रेसी की जिस बात कर रहे हैं, उसको आइडल टाइप कहा. ठीक है. तो आइडल टाइप का क्या मतलब है? जिसमें सारी क्वालिटीज़ हैं, जो सब तरीके से अच्छा है. तो दिस टाइप इज़ अ मेंटल कंस्ट्रक्ट, एक इमेजिनेशन है वेबर की कि इस तरीके का होना चाहिए. ठीक है. और वो इतना आइडल है, मतलब उसमें सारा कुछ इतनी क्वालिटीज़ है कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है टू फाइंड दिस काइंड ऑफ ब्यूरोक्रेसी एनी वेयर इन इट्स प्योर फॉर्म.
ब्यूरोक्रेसी तो हमें मिल जाएगी, लेकिन प्योर फॉर्म में जैसे उन्होंने इमेजिन करी, सारी की सारी क्वालिटीज उसी एक्सटेंट तक हमें कहीं पर भी नहीं मिल सकती. सो वी मस्ट कीप दिस इन माइंड कि एक आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी की बात कर रही हैं. दिस कंसेप्ट इज यूटोपियन. यूटोपियन क्या होता है? एक ऐसी जगह जहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा है, हर कुछ अच्छा है, ठीक है. तो ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है. तो ऐसे ही जो वेबर का कंसेप्ट है आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी की वो बात करते हैं, रियलिटी में 100% ऐसी कोई ब्यूरोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है. नाउ कमिंग ऑन टू द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी एज गिवन बाय मैक्स वेबर. नाउ द आइडियल टाइप ऑफ लीगल रैशनल ब्यूरोक्रेसी, जिस ब्यूरोक्रेसी के बारे में वेबर बात कर रहे हैं, दैट इज लीगल रैशनल, ठीक है, विच इज बेस्ड ऑन रूल्स लॉ, वॉज गिवन बाय मैक्स वेबर इन हिज बुक द थियोरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन. नाउ दिस बुक वॉज ट्रांसलेटेड बाय टैलकॉट पार्सन्स एंड ए एम हेंडरसन इन 1947. अनदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, किस बुक को किसने ट्रांसलेट किया? टैलकॉट पार्सन्स एंड ए एम हेंडरसन ने 1947 के अंदर. तो इस बुक में इन्होंने कुछ करेक्टरिस्टिक्स दी ब्यूरोक्रेसी की, अब इनको हम पढ़ते हैं एक एक करके. नंबर वन इज हायरार्की. सबको पता है हायरार्की क्या होता है. इसमें इन्होंने क्या कहा? दैट एवरी ऑफिशियल एंड एवरी ऑफिस इज अ पार्ट ऑफ हायरार्की ऑफ अथॉरिटी. हायरार्की किसकी है? अथॉरिटी की. अथॉरिटी की अरेंज किया हुआ है लेवल्स में, और हर ऑफिशियल और हर ऑफिस उसका पार्ट है. एंड देयर इज क्लियर सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप, और सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में एक क्लियर रिलेशनशिप है. दिस इज हायरार्की. सेकेंड इज फेयर ऑफ कॉम्पिटेंस और स्पेशलाइजेशन, इसको हम कह सकते हैं. कॉम्पिटेंस इज काबिलियत, कितनी क्षमता है उस अंदर काम करने की. तो वेबर ने क्या कहा? हर पोजिशन के लिए जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट शुड बी क्लियरली डिफाइंड. हर पोजीशन पे पर्सन को पता होना चाहिए कि वॉट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम, और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट शुड बी डिफाइंड क्लियरली. इंडिविजुअल एट दैट पोजीशन शुड हैव द रिक्वायर्ड स्किल्स. अब क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड होगी, तो वहाँ पे उसके स्किल्स भी डिफाइंड रहेंगे, और वो स्किल्स उसके पास होने चाहिए. दैट मीन्स हम कह सकते हैं डिविजन ऑफ वर्क होना चाहिए, डिविजन ऑफ लेबर होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन, राइट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज मेरिट बेस्ड. ये जो ब्यूरोक्रेसी है, इट इज मेरिट बेस्ड. द कंप्लीट रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज बेस्ड ऑन मेरिट. नाउ फोर्थ इज सेपरेशन ऑफ पर्सनल लाइफ फ्रॉम वर्क लाइफ. इसमें क्या कहा? कि जो ऑफिशियल्स हैं, उनको अपनी पर्सनल लाइफ अलग रखनी है अपने वर्क लाइफ से. कहने का मतलब, उनको अपनी पोजीशन का किसी भी तरीके से गलत इस्तेमाल नहीं करना है खुद के बेनिफिट के लिए. अपना काम उनको ऑब्जेक्टिवली करना है, अपनी ड्यूटी उनको ऑब्जेक्टिवली करनी है, और अपना पर्सनल बेनिफिट उनका बीच में नहीं आना चाहिए. फिफ्थ इज अ सेट ऑफ जनरल रूल्स. तो इसमें वेबर कहते हैं कि कुछ जनरल रूल्स होंगे, कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे जो सबके ऊपर बराबरी से लागू होंगे, ठीक है. इनको टॉप से लेकर बॉटम तक हर कोई इंडिविजुअल जो होगा वो फॉलो करेगा. तो ये कुछ रूल्स होने चाहिए जिसके ऊपर ब्यूरोक्रेसी हमारी बेस्ड है. नेक्स्ट इज रिटन कम्युनिकेशन. नाउ रिटन कम्युनिकेशन क्या है? ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स, decisions and rules are formulated and recorded in writing. This documentation is an accountability measure. जितने भी communication होगी, चाहे वो आप कोई decision ले रहे हो, कोई rule बना रहे हो, वो सारा कुछ written में होना चाहिए, ताकि अगर आपको बाद में किसी को show करना पड़े, आप तो आप accountable हो, आपके पास records जो हैं वो हों, ठीक है. Seventh is career service. इसमें क्या कहते हैं Weber? That individuals once recruited should work for a considerable period of time. कहने का मतलब यह है कि जो इनका tenure है वो लंबा होना चाहिए. ऐसा नहीं कि अभी रखा और कुछ टाइम बाद आपने निकाल दिया. हर पोजीशन की एक फिक्स सैलरी होनी चाहिए, और जैसे जैसे टाइम के साथ ऑफिशियल जो है उसकी कॉम्पिटेंसी जो है वो बढ़ेगी, उनकी काबिलियत बढ़ेगी, तो उनकी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके साथ सैलरी भी बढ़नी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आज वो इस पोजिशन एक हायरार्की में इस पोजीशन पे रिक्रूट हुए हैं, तो धीरे धीरे वो उनकी काबिलियत बढ़ेगी, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वो प्रमोट हो जाएंगे किसी और लेवल पे, तो उस लेवल पे उनकी अथॉरिटी बढ़ जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी और सैलरी भी बढ़ जाएगी. तो इस तरीके से जो रिक्रूट हो गया उसका करियर बन जाएगा इस सर्विस के अंदर. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ करियर सर्विस, राइट. एंड लास्ट इज नॉन ब्यूरोक्रेटिक हेड. अब ब्यूरोक्रेसी के अंदर हमने पढ़ा था जितने भी ऑफिशियल्स हैं दोज आर अपॉइंटेड, ठीक है, उनकी सिलेक्शन हुई है. लेकिन जो इसका हेड होगा वो नॉन ब्यूरोक्रेटेड होगा. मतलब द हेड इज़ नॉट अपॉइंटेड बट इलेक्टेड. फॉर एग्जांपल, अगर हम अब इंडियन ब्यूरोक्रेसी की बात करें, सिविल सर्विसेज की भी बात करें, तो जो ये लोग हैं ये क्या होते हैं? अपॉइंटेड होते हैं. पर हेड कौन होता है?
पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जो मंत्री होते हैं, ही इज इलेक्टेड. क्यों ऐसा किया गया? ताकि ऐसे ना हो कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो बाद में अथॉरिटेरियन बन जाए, सारी पावर अपने पास रखे, डिक्टेटरशिप के की स्थिति आ जाए. ऐसा ना हो तो इसलिए हम कहते हैं, वेबर ने कहा कि जो इनका हेड होना चाहिए वो नॉन ब्यूरोक्रेटिक होना चाहिए, ही शुड बी इलेक्टेड एंड नॉट अपॉइंटेड. सो दीज वर द करेक्टरिस्टिक्स गिवन बाय मैक्स वेबर. इनको हम रिवाइज कर लेते हैं. तो नंबर वन वॉज हायरार्की, सेकेंड वॉज स्फीयर ऑफ कॉम्पिटेंस और स्पेशलाइजेशन और डिविजन ऑफ वर्क, थर्ड इज मेरिट बेस्ड, फोर्थ सेपरेशन ऑफ पर्सनल लाइफ फ्रॉम वर्क लाइफ, फिफ्थ अ सेट ऑफ जनरल रूल्स, सिक्स रिटन कम्युनिकेशन, सेवन्थ करियर सर्विस एंड एट्थ इज नॉन ब्यूरोक्रेटिक हेड. तो अलग अलग बुक्स में इनको अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया हुआ है. किसी में कह रखा है कि ये इंडिविजुअल्स या ऑफिशियल्स की क्वालिटीज़ हैं, किसी में इनको सिक्स पॉइंट्स में ही वो कर रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है. बेसिक आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर आप उसके सिक्स पॉइंट्स बना दें चाहे या फिर आप उसके 10 पॉइंट्स बना दें, राइट. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. अब हमने इसमें से वेबर के जो पॉइंट्स है उसमें से डिफरेंस कर लिया है, कॉम्पोनेंट्स ऑफ अथॉरिटी कर लिए हैं, टाइप्स ऑफ अथॉरिटी कर लिया है एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी भी कर लिया है. इन द नेक्स्ट वीडियो वी शैल डिस्कस व्हाट वर द रीजंस ऑफ इमर्जेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड द कंट्रोल ओवर ब्यूरोक्रेसी एज गिवन बाय मैक्स वेबर. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ हो, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. Also, if you have not subscribed to our channel, please do it now and also hit the bell icon to get notified as soon as the new video is uploaded. Till then, stay tuned.